नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्ज़ाम में। दोस्तों, यूपी टेट 2019 के लिए हम लोग यहाँ पे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाल मनोविज्ञान के रिलेटेड प्रश्न को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये ज़्यादातर पेपरों में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को आप लोग रट डालिए, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम रम बाण की तरह साबित होगा, और ये आपके प्रश्न ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग चलिए एंजॉय कीजिए। मैं आपके साथ वीडियो को शेयर करने जा रहा हूं, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको यूपी टेट की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी यहाँ पर। आप लोग को डेली आपके लिए मैं यहाँ पर यूपी टेट के रिलेटेड यहाँ पे बाल मनोविज्ञान और सभी पर्यावरण हर चीज़ के रिलेटेड मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न लेके आऊँगा, जैसे कि आप लोग के मैं क्वेश्चन लिखा होगा, उसके आगे जो ये डार्क लाइन है, ये आप लोग के लिए आंसर्स होंगे। तो इस तरह के प्रश्न मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। एक तरफ ऑडियो की तरह भी सुन सकते हैं इसका, अगर आपको PDF चाहिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप लोग वहाँ से PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, क्या है? सारे एवं टेलफोर्ड का। ठीक, मनोविज्ञान का आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? मनोविज्ञान के सिद्धांत। ठीक, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं कौन? विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कपूर स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं कितने? 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य है बाल विकास। अगला प्रश्न, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के वशिष्ठ उद्देश्य हैं क्या? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान व विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। ये कथन है ली का। ठीक, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है फॉरवेल का। ठीक, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान हो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में एक शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा की। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता साझी जाती है सर्वागिण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों के को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। समय सरणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय का कालांश पहले क्यों रखा जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। ठीक, मनोविज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। ठीक,
ये आपका हो गया सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। शिक्षण सखा अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक, बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। ठीक, और स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ठीक, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? ये आपका अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है कब? वर्ष 1900 में। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 में। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से है। किससे? शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है हम लोग को। आपके लिए और भी मैं प्रश्न लेके आऊँगा, ऐसे ही आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए अब डेली लगातार आपके लिए यूपी टेट के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी इसमें। ठीक, तो चलिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। ठीक, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है वुडवर्थ का। ठीक, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का कस संबंध है सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। ठीक, सीखने की प्रक्रिया अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। ठीक, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है अरस्तु का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के आधारशिला है, यह कथन है स्किनर का। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है वर्गीकरण, सारणीय, उल्लेखनीय निरूपण। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापिका इसलिए करना चाहते हैं चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। ठीक, ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है ल, इस परिभाषा की प्रतिपादक हैं ई वॉटसन। ठीक, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, ये कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त हो? शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक, साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान कहा है वॉटसन ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक
अपितु स्वेगात्मक अनुभूतियों उत्प्रेरक शक्तियां तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है सी डब्ल्यू वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोगिताएं, वातावरण है। ठीक, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध है में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। ठीक, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। ठीक, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडोलता मनोईय का संबंध बड़ी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। शिक्षक शैक्षिक संस्थाओं में मानव व्यवहार से है। ठीक, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के सार्थक बनाने वाले ज्ञानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात की सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य कहा जाता है। ठीक, शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विद्याओं में सुधार। अव्यवस्था विशेष, विदेश विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी के बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। कथन है फोरवेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। ठीक, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। वातावरण में सब ब्रह्म तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के लिए समय की प्रभावित किया हो। यह परिभाषा किसकी है? यह आपकी वुथवर्ड की। ठीक, वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात विशेषताएं का पूर्ण योग है, बीएन झा का। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, बीएन झा का। ठीक है, वंशानुक्रम के निर्धारित होते हैं जीन्स। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? विकास को स्पष्ट इकाई में मापा जा सकता है। शेष काल का नियत समय है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य की तीव्र होता है। विकास का प्रक्रिया निरंतर। बाल अवस्था में मस्तिष्क का विकास होता है 90% तक। ठीक, आगे अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बालक के अन्नदायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है कोलेसनिक का। ठीक है, कोलेसनिक का। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवर्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमताओं से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। संवेगात्मक विकास में किस
अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, किशोर अवस्था में, ठीक। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक। चारित्र विकास का प्रतीक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करते हैं। छात्र छात्राओं को शारीरिक की ओर से पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, ठीक। वॉटसन के नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं और संवेगात्मक समस्याएं। शेषावस्था है जन्म से 7 वर्ष तक, ठीक। शेषावस्था है आपका जन्म से 7 वर्ष तक का, उस अवस्था को कहते हैं शेषावस्था, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। शिशु का प्रारंभ होता है कब? गर्भकाल में। बालावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष, ठीक। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वो है वंशानुक्रम व वातावरण, दोनों ही नहीं, ठीक। किसके विचार से शेषावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रायड, ठीक। रास के विकास के विकास ने विकास क्रम में अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास, ठीक। बालकों के विकास को किस अवस्था का सबसे कठिन काल रूप के रूप में माना जाता है? किशोर अवस्था को, विकास, शिक्षा शास्त्र नोट्स। ठीक, किशोर अवस्था बाल विकास शिक्षा शास्त्र नोट्स। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बाल अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, क्या नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक हैं डी के एम बुश, गल्टन, डार्विन। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्व की ओर बढ़ता है। कहाँ? जिसमें बालक परिपक्व की ओर बढ़ता है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था, ठीक। व्यक्ति के स्वभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। कब होती है? जन्म से पूर्व। विकास की परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन है हरलॉक का, ठीक है, हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की व्यवस्था है शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। ये 3 व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं, ठीक। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपी में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। यह विचार किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, मानव विश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे एच होगा, PSHYCO के जनक थे कौन? फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आपके उस जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसे वैसा ही बना दूंगा, ये कहा था वॉटसन ने, ठीक। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, चेतन, अधचेतन, अचेतन, ठीक। आईडी, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव संरचना का अभिन्न भाग है फ्रायड, ठीक। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार है फ्रायड का। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रदत्व होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास का अभिप्राय है यह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्व की ओर बढ़ता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी, तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजन और आदि का अनुभव प्रभाव पड़ता है तथा पेशियों ने दृष्टि व्यवहार करने लगती है। यह कथन है आपका ग्रीन का। किसका है? ग्रीन का। आगे बढ़ते हैं। वातावरण में सब ब्रह्म तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के आरंभ करने के समय प्रभावित किया। ये परिभाषा है वुडवर्थ की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन है हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोविज्ञान विशेषताएं क्या है? ये आपकी है मूल प्रवयात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होना। बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष तक का। बाल विकास शिक्षा शास्त्र नोट्स। ठीक, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। ठीक, बाल व्यवस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल व्यवस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास का प्रक्रियान्वयन में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास के सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। बालक की अभिवृद्धि जैविको नियमों के अनुसार होता है। यह कथन है हॉरलॉक का। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि का विकास को प्रभावित करता है? ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार है रॉस का। ठीक, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। शैशवावस्था की जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, सूझबूझ की ओर। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास संख्यात्मक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास की प्रभावित करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह होता है 14 वर्ष। ठीक, 14 वर्ष की आयु में मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। अभिप्रेरणा का महत्व है रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। भाषा विकास के क्रम में अंतिक्रम सोपान है भाषा विकास की पूर्णावस्था। शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? वातावरण। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था की तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था। बालक का शरीर, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था को पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था को। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार आवश्यक है। ठीक, मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? पीनियल ग्रंथि से। ठीक, बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। दो बालक
शिक्षकों में सम्मान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन है हॉरलॉक का। ठीक, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है हम लोगों ने यहाँ पे, और फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आपको और वीडियो ऐसे चाहिए तो आप लोग को हमारे चैनल को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपडेट पाने के लिए। यूपी टेट के हम आपके लिए ऐसे और सारी वीडियोस लेके आते रहेंगे। ठीक, संवेग अभिप्रेरक का भावनात्मक पक्ष है, यह कथन है मैकडूगल का। किसका है? मैकडूगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन है मैकडूगल का। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक को लेखक हैं थॉर्नडाइक। संवेग होने व्यक्ति को माना जाता है पशु। किसको माना जाता है? संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। आगे बढ़ते हैं। सत्य अथवा तत्वों के दृष्टिकोण आप लोग यहां पे देख सकते हैं। दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है, बुद्धि की यह परिभाषा है। ठीक, क्या है? थॉर्नडाइक की। ओके, संवेग स्थिरित में किस वस्तु की प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता, यह किस कारण से होती है? अभिरुचि के कारण। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, किसके? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर क्रिया से बना है, जिसका तात्पर्य है परिपक्वता का बढ़ना। किशोरावस्था का समय है 12 से 18 साल। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। पर्यावरण का निर्माण हुआ परि प्लस आवरण से। ठीक, बोरिंग के अनुसार जीन्स की अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभाव करने वाली वस्तु है वातावरण। बुथवर्ड्स के अनुसार वातावरण का संबंध है ब्रह्म तत्व से। ठीक है, ब्रह्म तत्व से। सॉरी फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे ब्रह्म तत्व। ठीक, ब्रह्म तत्व से यहाँ पे अनुसार संबंध किया गया है। किशोर की शिक्षा में किस बात का विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है? यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर। ठीक, किशोर व्यवस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं होता? अधिक समायोजन का। ठीक, अधिक समायोजन का नहीं होता है। ठीक, किशोर अवस्था के विकास को परिभाषित करने वाले के लिए बिंग एंड ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? परिवर्तन। ठीक, किशोर अवस्था में बालकों को सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किशोर अवस्था के में बालक के विकास का प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या, बाल विकास, शिक्षा नोट्स। दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? पलायन का। ठीक, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूपी टेट की और भी ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।